इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी बहस का। प्रदेश में क्या एक बार फिर से दल बदल का दौर शुरू होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के कई विधायकों के बीजेपी से संपर्क होने के दावे किए हैं। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। लगे हाथ उन्होंने बीजेपी के कुछ विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा किया है। लिहाजा ये मुद्दा एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद से कमलनाथ को एक बार फिर से मध्य प्रदेश की फ्री हैंड मिल गया है। पार्टी के नाराज नेताओं को एकजुट करने में कमलनाथ की नजर है और उन नेताओं पर नजर है जिनका टिकट 2023 में कमलनाथ एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। यहां आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन नेताओं के टिकट काटेगी उन नेताओं को कांग्रेस हाथों हाथ लेते हुए टिकट दे सकती है। नारायण त्रिपाठी, शरद कौल बीजेपी के उन्हीं नेताओं में से है जो नाराज चल रहे हैं। वो अपनी ही पार्टी पर सवालिया निशान भी लगाते नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के बाद से टिकट दे सकते हैं और इससे पहले भी कई बार नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने कमलनाथ से मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस ने अपना किला मजबूत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके घरों में ही घेरने के लिए सिंधिया के धूर विरोधी दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी है। शनिवार को अजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे भी दूर किए। तो जाहिर है कि कांग्रेस मतदाताओं को एकजुटता का संदेश देना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस की दो तरफा रणनीति उसे प्रदेश की सत्ता में काबिज करा पाएगी? क्या बीजेपी के मजबूत दिखते किले को इस रणनीति से मात देना संभव होगा? इस मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। इसकी पूरे देश में दुर्दशा हो रही है। पूरे देश में लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। आज कल अगर हम समाचार देखें तो जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जी थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करके बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। पार्टी को निर्णय करना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। पर मध्य प्रदेश में जैसी दुर्दशा देश में कांग्रेस की है, वैसी ही दुर्दशा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वर्तमान में है और आगे और चुनावी देखिए बहुत हास्यास्पद है कि जिस कांग्रेस पार्टी में लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर देश भर में अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, जिस पार्टी की बड़े बड़े राज्यों के चुनाव में 2% वोट और 2 सीटों की स्थिति बची है, 98% प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ये स्पष्टता ही नहीं कि कौन नेता, कौन सी नीति और क्या नियति कांग्रेस की होना है। उस कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग कांग्रेस में आए। कमलनाथ जी, मैं मानता हूं कि आपकी आयु हो चुकी है और शायद आयु का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ रहा है, इसीलिए आप इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जिनको सुनकर कोई भी आदमी आपकी हंसी उड़ाएगा और माफल उड़ाएगा। आप कमलनाथ जी अपने घर को कांग्रेस पार्टी को बचाइए, वो आपके लिए बड़ी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़िए। साल पहले सिंधिया जी और उनके समर्थकों द्वारा किए गए दल बदल के कारण जहां एक तरफ ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बढ़ारी असंतोष है, वहीं दूसरी तरफ बिंद और ये खंडवा देवा क्षेत्र के कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में है। आगामी मिशन 2023 में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भारी टूट की संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि निगम मंडल की जो हाल ही में नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा और संगठनात्मक फेरबदल के दौरान जो असंतोष उभर कर आया था
उसके बाद से कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में, और कभी भी इनका कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वागत किया जा सकता है। तो बीजेपी के नाराज नेताओं पर कांग्रेस की नजर है। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि दल बदलू नेता किस ओर जाते हैं, क्या दल बदल का एक बार फिर से दौर शुरू होगा, या मिशन 2023 के लिए किसकी कैसी नजर रहेगी, तो कैसी देगी टक्का बीजेपी की रणनीति को कांग्रेस। दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष तिवारी प्रवक्ता है बीजेपी से, सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता है कांग्रेस से। सबसे पहले सिद्धार्थ सिंह राजावत का ही हम रुख कर लेते हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है दल बदल का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्या कांग्रेस की नजर इन नेताओं पर है? दीप शेखा जी, देखिए, जब कांग्रेस के 22 विधायक बागी होके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में थे, वो पूरी तरह से पार्टी छोड़ के आने को तैयार थे। पर माननीय कमलनाथ जी ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उस राजनीति पे मैं सरकार नहीं बचाऊंगा। हाँ, अब क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, और चुनाव में आप देखिएगा किस प्रकार से बीडी शर्मा जी शिवराज सिंह जी से नाराज हैं, शिवराज सिंह जी सिंधिया जी से नाराज हैं, नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया जी से नाराज हैं, उधर नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय जी, इन दोनों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो सुबह सुबह उठ के अपने अनर्गल बयानों में ही व्यस्त रहते हैं। तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 5 खेमे हैं आज की डेट में, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक बीमार भाजपा, और एक बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय वाली भाजपा। तो ये भाजपा स्पष्ट साबित कर रही है कि जिस प्रकार से सिंधिया जी को मजबूत किया जा रहा है, जो तरह सिंधिया को, ये स्वाभाविक है कि वो उनकी बाल हट्टता और जो उनके अंदर एक एटीट्यूड है और सिंधिया के अंदर एक जो घमंड है और अपनी बात मनवाना, तो निश्चित तौर पर जैसे निगम में उनने किया, जैसे आप देखिए मंडल में उनने ऐसे जो किया, अपने अपने लोगों को एडजस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता घर बैठ गए। हमारे चंबल क्षेत्र के तो काफी जो पुराने जो बेचारे सुबह सुबह हाफ नेकर पहन के शाखाएं लगाते थे, वो आजकल अपनी बागवानी देख रहे हैं, तो उनने घर बैठा दिया सिंधिया जी ने। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में 70 से ज्यादा शिवराज समर्थक लोगों की टिकट कटेंगी, और टिकट कटेंगी तो स्वाभाविक है कि वो इधर उधर भागना उनका शुरू होगा। अच्छा, सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने रहिए, आशीष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, जैसा कि अभी आपने सुन ही लिया होगा, सिद्धार्थ जी ने साफ साफ कहा है कि भाई 5 बीजेपी बनी हुई है, 5 भाजपा बटी हुई है यहाँ पर, तो क्या आपने सारी बातें सुनी है, जवाब आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी संगठन नहीं है, वह संगठन आज सतलज के बीच से निकल के आया हुआ संगठन है, जिसमें प्रत्येक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। और यही कारण है टिकटों की बात मान्यवर कह रहे थे, टिकटें केवल एक व्यक्ति के कहने पर नहीं मिलती, भारतीय जनता पार्टी का एक फोरम है, उस फोरम में तय होता है, और फोरम में जो तय होती है टिकटें उसी के अनुसार बांटी जाती है, और उसी के अनुसार योग्यता के आधार पर नेताओं को हम मैदान में उतारते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भाजपा में बीडी शर्मा जी अलग है और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी अलग है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक सूत्र पर काम करती है, और वह सूत्र है भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का, और उस वैभव को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो या महासचिव हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी को एक सूत्री काम दिया जाता है कि बूथ को मैनेजमेंट करो, और बूथ के पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ताकि हम चुनाव जीतते हैं और चुनाव में उतरते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। आशीष जी, जी सिद्धार्थ जी कहिए। अभी आशीष जी जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे है ना पूरा एक संगठन काम करता है, आपके संगठन बचा कहाँ है? आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक एक जने की पार्टी है, भाई आपके यहाँ तो 2 जने की हो गई है। सिद्धार्थ जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे। सिद्धार्थ जी, एक सवाल मेरा भी है। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, एक सवाल मेरा भी है। आशीष तिवारी जी जो कि बीजेपी से हैं, उनके लिए जो आपने सवाल किया है, वो सवाल मेरा भी आपसे कि पंजाब में कांग्रेस में क्या कुछ देखने को मिला और हरियाणा में क्या कुछ देखने को मिला, यही तो स्थिति वहां भी देखने को मिली है सिद्धार्थ सिंह जी।
देखिए हम उसको स्वीकारते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो हमारी कमियां थी अभी चिंतन शिविर में आधी पूरी कर ली गई है। आपने देखा है किस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी को फ्री हैंड छोड़ दिया और दूसरा पद बहुत जल्दी गोविंद सिंह जी को भी दे दिया गया और आने वाले समय में ना अपितु मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में आपको ये जो हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया था उसको आपको प्रॉपर पूरा चैनलाइज आपको मिलेगा। हमारा पूरा कांग्रेस का प्रॉपर सिस्टम मिलेगा आपको। जो जो गलतियां हुई उस गलतियों का हम निर्वाह करते हुए उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, अब बताइए कि चैनलाइज तरीके से काम किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, सिद्धार्थ जी का ये कहना है। आशीष तिवारी जी, अब बताइए। आशीष जी, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आशीष जी अब आ रही है आवाज? चलिए तो अभी आशीष जी की आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो नहीं आ पा रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करवाते हैं। फिलहाल सिद्धार्थ जी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, जैसा कि अभी आपने इससे पहले शुरुआती दौर में कहा था बीजेपी में किस तरह से 5 भाग में बटी हुई है भाजपा, अब ये आपसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के जो नाराज नेता हैं वो आपसे संपर्क कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की नजर है उन नेताओं पर कि कब उनसे संपर्क जो है वो साधा जाए। दीपशिखा जी, मैंने आपको पहले भी बताया जिस समय पे हमारी सरकार गिराई जा रही थी हमारे 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी के माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में थे और आज भी स्वतः कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा विधायक आज भी संपर्क में हैं और अब बहुत जल्दी आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जो पीठ में खंजर घोंपता है उसके लिए, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले गड्ढा खोदा हुआ मिलता है। आप देखिए 23 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें बहुत कठिनाइयां होंगी क्योंकि इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या करके और जो पीछे दरवाजे से घुस के जो सरकार चुरा के इस सरकार में बैठे हैं उसका जनता भी जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी देंगे जिनकी अवहेलना करते हुए सिंधिया के लोगों को बैठाला गया उनके ऊपर, जिन्होंने जो कल तक कहना जो नीचे फर्श और चादरें बिछाते थे आज उनको घर बैठा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो रुष्ट कार्यकर्ता हैं, जो रुष्ट विधायक हैं, वो सारे के सारे तैयार बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति होगी जो ये बोलते थे कांग्रेस विहीन करेंगे। मुझे लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी विहीन ना हो जाए, यहाँ से लुप्त ना मिस्टर इंडिया ना बन जाए। आशीष जी, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? आशीष जी, आशीष जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आशीष जी, तो आशीष जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उन तक शायद हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठ जाता है सिद्धार्थ जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि 3 दर्जन बीजेपी के नेता, एक बड़ा आंकड़ा आपने बताया है कि 3 दर्जन जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस के संपर्क में है, क्या ये वाकई सच है या फिर ऐसे ही? देखिए सच है तभी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने खुद के बोला है कि हमारे संपर्क में है, काफी लोग संपर्क में है आ रहे हैं और 17 लोग तो बिल्कुल सरकार बनाने के लिए आने को तैयार थे पर माननीय कमलनाथ जी ने बोल दिया चमके से भी ऐसी सरकार नहीं छूंगा जिसमें मेरे को है ना घृणित राजनीति करनी पड़े या पैसों की राजनीति करके मैं ना कोई सरकार नहीं बनाना चाहता, इससे तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करता हूं। पर अब जब 23 का चुनाव निकट है उसमें जो असंतुष्ट आएंगे उनके लिए मोस्ट वेलकम, आए उनके दरवाजे खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के। और ये जो अभी आदरणीय बात कर रहे थे कि कांग्रेस की ये नीति है, कांग्रेस की ये पद्धति है कि हाईकमान फाइनल करती है, तो आज की डेट में हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी तो खत्म ही हो गई है। संघ प्रमुख के ऊपर इन्होंने SPG लगा के उनको नागपुर में कैद कर दिया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो किस बिहाब पे ये बोल रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत है? अरे आपके संगठन के ऊपर तो ताले लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार हो गई है। जो अडानी अंबानी बोलते हैं वही हिंदुस्तान में होता है, 90% से ज्यादा ठेकेदार मध्य प्रदेश में गुजराती है जो काम कर रहे हैं, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है या नेता की हिम्मत या औकात नहीं है कि अमित शाह के लड़के जैसा या अमित शाह से बोल दें कि ये ठेके मध्य प्रदेश की ठेकेदारों को दिए जाएंगे या मध्य प्रदेश के लोग काम करेंगे। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बेच दिया है इन लोगों ने और पूरे के पूरे गुजराती ठेकेदार काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप नहीं संज्ञान ले सकते हो, ये डिबेट बैठा सकते हैं,
किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अपनी अंदरूनी कला मिटानी रहे और कांग्रेस की कला की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से राहुल भैया अजय सिंह जी ने और राकेश चौधरी जी ने गले मिलकर गिले शिकवे मिटाए और आप देखिए किस प्रकार से एकजुट होकर कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कटाक्ष करना और बुराई करना आता है। आशीष जी, आशीष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए, आशीष तिवारी हमारे साथ फिर से जुड़ गए, बीजेपी से हैं। आशीष, आशीष जी जिस तरह से अभी कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है कि सिद्धार्थ जी का ये कहना है कि 3 दर्जन बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सर जो इस बार 2023 है इसमें कांग्रेस ही जीतेगी, क्या कहेंगे आशीष? कांग्रेस कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल और केवल संगठन के लिए समर्पित रहता है और संगठन के लिए काम करता है, वह विचारधारा के लिए काम करता है, वो टिकट के लिए काम नहीं करता। यही कारण है कि अचानक से कई बार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों में स्थान परिवर्तन भी हो जाता है और कई नेताओं के हमें विधानसभा क्षेत्र बदलने पड़ते हैं और हम बदलते हैं तो और उसमें ये वहां के कार्यकर्ता ये नहीं सोचते कि ये कब आए कहां से आए, वो केवल एक सूत्र पर काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आशीष जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि 3 दर्जन बीजेपी के नेता उनके संपर्क में और दावा भी किया है कि बिल्कुल सच्चाई है 3 दर्जन बीजेपी के नेता। ऐसे निराधार दावा कांग्रेस के काल्पनिक लोग ही कर सकते हैं क्योंकि आज जब देश में 2% इनको वोटें मिल रही है, आज इनके लोगों की जमानतें नहीं बच रही, उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए और इसके अलावा आपने जो अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए उन चुनावों के परिणामों को देखिए, कांग्रेस के नेताओं की हालत क्या है, उनके उनके कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पंजाब को देखिए या फिर आप उत्तर प्रदेश को देखिए, इन परिस्थितियों को देखने के बाद एक स्पष्ट समझ में आता है कि कांग्रेस के टिकट पर आज कोई नेता चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, फिर भाजपा के लोग क्यों जाएंगे? क्योंकि भाजपा जवाब दीजिए, अभी आपने कहा है कि सच्चाई है इस बात में, जवाब दीजिए आशीष जी का। जी सिद्धार्थ जी देखिए, हाँ मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जाता है तो इनके पास वो गंगा जल है कि उसको छलककर शुद्ध कर देते हैं। आप देखिए अगर आप इनके सांसदों का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 116 से और 150 के बीच में जो आज केंद्र में सांसद बने बैठे वो कांग्रेस गए हुए हैं और आज जब कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ रहे थे इनको आपत्ति और इनको आंकड़े चाहिए। अरे नाउ कितने बार थोड़ा संयम रखिएगा, 23 का चुनाव सामने आ गया है, बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा जो सिंधिया जी ने आपके जो हमारे कांग्रेस के अंदर जो दीमक थी सिंधिया नामक दीमक वो अब आपके यहाँ चली गई है जो आपको चाट रही है। आप बोल रहे कार्यकर्ता आपके बिकते नहीं है, आपके कार्यकर्ता चुनाव के लिए काम करते हैं, अरे आपके कार्यकर्ता चंबल क्षेत्र में घर बैठ गए, उनकी कितनी तोहीन हो रही है, आपने कभी संज्ञान लिया या आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कभी संज्ञान लिया? आप जाके एक बार उनका थोड़ा सा हाल पूछ लीजिएगा। आशीष जी जवाब दीजिए, इतनी बड़ी बातें उन्होंने कही है, सिद्धार्थ जी ने इतनी बड़ी बातें कह दी हैं, दीमक बता दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस के लिए दीमक का काम तो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, आज दिग्विजय सिंह जी ने ही ऐसी परिस्थितियां बनाई कि आज सिंधिया जी को भाजपा में आना पड़ा और आज की परिस्थितियों में देखते हैं तो कमलनाथ जी को भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का काम किया है। आज देखिए एक 75 साल के व्यक्ति को हटा के 71 साल के व्यक्ति को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया, ये सोचने की बात होना चाहिए कि क्या कांग्रेस में युवा जवाब दीजिए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी बताइए, बोले सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए। जी दीप सिका जी, कल तक भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा था कि माननीय कमलनाथ जी पे दो पद क्यों है, आज उन्होंने अगर एक पद हमारे माननीय गोविंद सिंह जी को दे दिया तो आप उसमें ये बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का हाथ है। अरे भाई आपकी चटवी मेरी पटवी मेरी सिक्का मेरे बाप का, ये तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है, टू नेशन थ्योरी वाली जो आप लेकर आए थे उसी प्रकार से। अरे जब माननीय कमलनाथ जी ने अपना एक पद दे दिया तो अब आपको जवाब दीजिए आशीष जी, जवाब दीजिए, आपको इस बात का कष्ट था कि वो दो पद रखे हुए। ठीक है अब आ रही है आशीष जी आपको आवाज, इनसे पूछिए। जी अभी आ रही है, आप इनसे पूछिए इनके पेट में आप दर्द क्यों है सर। हाँ आशीष जी आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा कि क्या पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप जवाब दीजिए उनके सवालों का। जी मुझे सवाल सुनाई नहीं पड़ा, मैं आवाज कट गया। चलिए सिद्धार्थ जी फिर से पूछिए। मेरा कहना यह है कि जिस समय पे माननीय कमलनाथ जी के पास दो पद थे उस समय भारतीय जनता पार्टी रोड पे आके चिल्ला चिल्ला के माइक पे बोलती थी कि इनके पास कोई नेता नहीं है,
दो दो पद रखे हुए हैं। जब आज माननीय कमलनाथ जी ने एक पद गोविंद सिंह जी को दे दिया, तब उसमें भी ये एक नया शगुफ्ता निकाल के लेकर आए हैं कि चटवी मेरी, पटवी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। जिस प्रकार से टू नेशन थ्योरी की ये बात करते थे और आज उसी प्रकार से ये दो मुइयां बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, जब आपने दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? माननीय गोविंद सिंह जी एक कद्दावर नेता है और 7 बार के विधायक है और 7 बार से वो निरंतर विधायक है। और चंबल क्षेत्र के अंदर अगर ज्योतिराज सिंधिया को कोई टक्कर दे सकते हैं तो माननीय दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह जी एक साथ मिलकर दे सकते हैं, बिल्कुल टीम बना के, और वही रणनीति के तहत वो किया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चंबल से इनका पूरा क्लीन स्वीप होने वाला है इस बार। दीपशिखा जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए ना, इतने सारे सवाल दाग दिए उन्होंने। आज कांग्रेस के पास नेता नहीं है, आज कांग्रेस के पास नेता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और कांग्रेस की जो स्थिति बन गई है कि कांग्रेस में आज जो आदमी एक पद को पकड़ के रखता है वो लंबे समय तक पकड़ के रखता है और अपनी नई पीढ़ी को ही तैयार नहीं करते ये लोग। इनके पास तो केवल अपने नेताओं को ही गिराने का काम हो, चाहे वो बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एक बड़े नेता हुआ करते थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, उनको भी कांग्रेस के लोगों ने खत्म कर दिया। आज राकेश चतुर्वेदी जी की स्थिति क्या है, मुकेश नायक जी की स्थिति क्या है और अरुण यादव जी की स्थिति क्या है, इन स्थितियों पर चर्चा करें ना कांग्रेस। इन नेताओं के राजनीतिक स्थिति जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, क्या है और आज इनका अस्तित्व क्या बचा है संगठन में? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, इतनी सारी बातें उन्होंने कह दी है। देखिए अरुण यादव जी का आपने भी देखा और मुकेश नाइक जी का भी आपने देखा, जो ये बोल रहे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का भी देखा, सबका आपने देखा, पर सबका आपने वर्किंग स्टाइल नहीं देखी। अभी जो माननीय कमलनाथ जी ने मीटिंग लेके जिस मुकेश नाइक जी को अभी जो हमारा घर चलो घर घर चलो में प्रभागी बनाया था, उनके बेटे को अभी प्रवक्ता बनाया है, तो हम अपने लोगों को नहीं भूलते। हम आपकी तरह घर से निकाल के हम लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जी की तरह मंच से बेइज्जत करके नहीं भगाते अपने पिता तुल्य लोगों को जिनने पार्टी खड़ी की है, जो हमारे साथ संघर्ष में रहा है उसको हम हमेशा। जवाब दीजिए आशीष जी, आरोप लगा रहे हैं, बेइज्जती करने का आरोप लगा रहे हैं। अनु मिश्रा जी को घर बैठा दिया आपने, बड़े बड़े जयवान सिंह पवैया जी की क्या हालत कर दी। प्रभात झा जी की क्या हालत कर दी, बताइए जरा। प्रभात झा जी की हालत उसे हटाया दिया जाता है, कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की क्या स्थिति है ये खुद कांग्रेस के नेता जानते हैं कि उनका अस्तित्व कहां तक बचा हुआ है और उनका भविष्य कितना है। जहां एक और हमारी बात है, अनु मिश्रा जी की क्या हालत है, जयवंत सिंह पवैया की क्या हालत है, उस निर्णय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ते हैं और उसी पे काम करते हैं। आडवाणी जी की बात है तो आडवाणी जी को भी भारतीय जनता पार्टी में आज भी नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले आडवाणी जी के घर गए और उनसे आशीर्वाद लिया था, मुरली मनोहर जोशी जी के निवास पर पहुंचे उनसे आशीर्वाद लिया था। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राजनेता जब उच्च पद पे पहुंचता है तो अपने वरिष्ठ नेता के निवास पर पहुंचता है और उससे। ठीक है, चलिए आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही बयान लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से जो नेता है वो अपना दल बदलेंगे, किस ओर जाएंगे, किस ओर ये ऊंट बैठेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।